इफ ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू बी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल देन ए प्लस बी माइनस टू इज इक्वल टू. पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या है? वी हैव टू इवेल्युएट द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर. लेट इट बी इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो. इफ एक्स बिलोंग्स टू आर, डी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. दिस इज द कंडीशन. सो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 36 माइनस फोर इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. आई विल गेट 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. आई विल गेट माइनस वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. आई विल गेट वाई इंटू वाई माइनस टेन लेस देन इक्वल टू जीरो बिकॉज आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय वन नेगेटिव साइन. इसको वेवी कर्व से सॉल्व करेंगे, वाई आएगा जीरो से टेन के बीच में. ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू टेन, ए प्लस बी माइनस टू एट. आंसर इज एट. फाइन, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cot ऑफ fractional x इज इक्वल टू tan ऑफ fractional x इन 0 टू 2 पाई where fractional x denote द fractional पार्ट फंक्शन, दैट इज ऑब्वियस. नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन बाय ग्राफ केयरफुली. 0 से 2 पाई में 2 पाई इज स्लाइटली हायर देन 6, 6.28 समथिंग फॉर्म ऑफ नंबर. 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ होगा वही 6.28 टाइम्स रिपीट करेगा. ओके, 0 से 1 के बीच में tan x का ग्राफ होगा कुछ ऐसा. यहां पे आया होगा पाई बाय 4, उस पे वैल्यू होगी 1. यहां पे वैल्यू है 1. दिस इज cot. यस, ये जो कटिंग पॉइंट है, दिस कटिंग पॉइंट इज 1. यहां पे ओपन सर्कल, यहां पे भी ओपन सर्कल. ये ग्राफ 6 टाइम्स रिपीट होगा. 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6. सेम स्टोरी चलेगी. 0 से 1 में एक सॉल्यूशन, 0 से 6 में 6 सॉल्यूशन. 6 से 6.28 में सॉल्यूशन नहीं आएगा बिकॉज पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन 0.28. इन टोटल 6 सॉल्यूशंस. ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व सच क्वेश्चंस बाय ग्राफ एंड डू यू कैन सॉल्व देम वेरी इजीली. ओके, आंसर इज 6. Let us move on to the last question of this exam now. The sum of radii of inscribed and circumscribed circles of a n-sided regular polygon of side 2 units. Now side is given and the sum of radii, that is small r and capital R, is given to be equal to root 6 plus root 4 plus root 3 plus root 2. This will be a by 2 cot pi by n plus secant pi by n. Fine, this value on the right hand side is cot of 7.5 degree. 15 hota hai pi by 12, ye hoga pi by 24. Okay, the value of a is 2, side is 2 units, so this is 1. This is cos pi by n upon sin pi by n plus 1 by sin pi by n is equal to cot pi by 24. Fine. In the numerator we will have cos 2 theta plus 1. In the denominator we have sin 2 theta. So this will become cot theta. Cot of pi by 2n is equal to cot of pi by 24. No doubt 2n will be 24. N will be equal to 12. Okay. We have to find the value of n minus 10. So n minus 10 will obviously be equal to 2. So 2 is the right choice or the right answer for the question number 60. So this brings us to the end of both the exams of J Advanced for 2019 paper 1. Okay. I hope that you have learnt very nice concepts in this exam and you have understood all the solutions given by me. Okay. Thank you very much.